यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. प्लीज ज्वाइन द क्लास. गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. राधा, आर्यन, ओजस्विनी, वंशज, कौन कौन है? विशाखा है. ओके, गुड. बस आई थिंक यही स्टूडेंट्स हैं अभी, पांच स्टूडेंट्स. ओके, आइए. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट आफ्टर वन वीक. ठीक है, काफी टाइम बाद हो रहा है, एक वीक के बाद. और ऑलमोस्ट अब ये हमारा लास्ट ही क्लास है, समझिए लास्ट ही है, क्योंकि इसके बाद कोई टॉपिक नहीं बचा है. सो ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू एंड दिस टुडे. ओके, चलिए आइए, सब ज्वाइन कीजिए. सरबजीत ने ज्वाइन किया. बेटा वॉइस क्लियर है मेरी, एक बार बता दे, थम्सअप दे, वॉइस क्लियर है आपको? वेरी गुड, ओके, फाइन. ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. प्लीज ज्वाइन द क्लास. आइए बेटा, स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, आइए करते हैं स्टार्ट बेटा. ओके, ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका है, खत्म करेंगे 45 मिनट्स में. और चलिए करते हैं स्टार्टअप. फाइन, बीसीआर लास्ट टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. इससे पहले हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था? सारा टॉपिक कवर था, कम्युनिकेशन से लेके हमारा राइटिंग सेक्शन जितना भी था बेटा, उसमें प्रेसेज राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, हाँ रिपोर्ट राइटिंग था उसमें आपका, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेटर्स थे, ईमेल्स थे, मीटिंग था. ठीक है, हम सब ने उन सारे चीजों को, कॉन्सेप्ट को देख लिया था, रिविजन कर लिया था. कुछ कुछ तो क्वेश्चन हमने यहाँ करके भी देखे थे, राइट? आइए चलिए अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. बिकॉज हमने इससे पहले खत्म किया था एक्टिव पैसिव वॉइस, राइट? आज हमारा स्टार्ट होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. खत्म करते हैं एक क्लास में, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना है आपको. कुछ ही रूल्स हैं ग्रामर के और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. ठीक है, तो वही आज मैं आपको इसमें बताऊंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू अगेन. आइए स्टार्ट करते हैं बीसीआर की क्लास. ओके, हेडिंग डालेंगे सारे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. जो पुराने हैं, जो न्यू हैं, सबके लिए ये टॉपिक नया ही है. ठीक है, तो ये टॉपिक आप कोशिश कीजिए बीसीआर में आज ही कवर हो जाए, चाहे वो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पुराने स्टूडेंट्स हैं. आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, हेडिंग डालेंगे बेटा. थोड़े से नोट्स हैं उसको कवर कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां कर लेंगे और कुछ मैं आपको एज अ होमवर्क दे दूंगा. ठीक है, बाद में कुछ क्वेश्चंस बना के अपनी तरफ से मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप पे, तो उनका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. लास्ट टाइम में देखने के लिए अच्छा रहता है कि आपने मतलब 15 से 20 अगर प्रैक्टिस कर लिए हैं क्वेश्चंस, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, तो लास्ट में जब आप लोग पेपर देने जाएं तो वो सारे क्वेश्चंस को पढ़ लें कि भाई इतने टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, ऐसे ऐसे को कन्वर्ट किया जाता था इस तरीके से, ये सारे पैरामीटर्स थे. तो उन सबको आपने क्वेश्चंस को देख लिया, रूल्स चेक कर लिए. ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा. ठीक है, ये सब कुछ आप देख के एक बार चले जाना, माइंड में रहेगा ये बात. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से. अच्छा, ओके, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, तो ध्यान रखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, ये एक स्टेटमेंट को लिखने का ही तरीका है. ठीक है, देखो डायरेक्ट जब हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, जब हम डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, यस, तो डायरेक्टली हम कैसे बोलते हैं कि सपोज करो मुझे आपसे कोई बात कहनी है, ठीक है, तो मैं आपसे वो डायरेक्टली बात बोल सकता हूं, या मैं किसी सेकेंड पर्सन को ये बात बोल के आप तक कन्वे करवा सकता हूं. ठीक है, अब जैसे मुझे कोई क्लास की इंफॉर्मेशन देनी हुई, तो मैं जब आप लोगों से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करूं, ठीक है, कि आई सेड टू यू दैट टुमारो जो है क्लास इतने बजे होगी, टुमारो क्लास इज एट विल बी एट 10 AM. ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्टली बोला आप लोगों को, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन से सेकेंड पर्सन तक चला गया. ठीक है, इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है ये सेंटेंस, जब मैं यही बात किसी दूसरे स्टूडेंट को कन्वे कर दूं या मैनेजमेंट को बता दूं कि आप प्लीज ये फर्दर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक दे दीजिएगा कि कल जो क्लास है वो 10 बजे है. ठीक है, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, जब मैनेजमेंट आपको ये बोलेंगे कि विभांशु सर टोल्ड दैट योर टुमारो क्लास विल बी एट 10 AM. ठीक है, तो वो आपका इनडायरेक्ट होता है. क्यों? क्योंकि सेकेंड पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन को जाके बता रहा है कि फर्स्ट पर्सन ने क्या बोला है.
ठीक है, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सब इन्वॉल्व होते हैं इनडायरेक्ट में, पर डायरेक्टली में जब मैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कोई बात बोल दूं तो वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। आप जो रिपोर्ट लिखते हो, आप जो एसेज लिखते हो, वो ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। क्यों? क्योंकि आप ये बातें कन्वे कर रहे हो, ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, या किसी ने बोल चुके हैं ये बातों को, आप उसको कन्वे कर रहे हो जस्ट। तो कभी भी बातों को कन्वे करने के लिए ना हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच का ही यूज होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आइए, जब अब हमने ये समझा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, तो कुछ रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा रिटन वर्क, ठीक है, रूल्स ऑफ ग्रामर, रूल्स ऑफ ग्रामर फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट, फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक बार ये रूल थोड़ा सा देख लें बेटा, ठीक है। कॉमनली तो यही यूज होता है, जनरली जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें यही रूल यूज होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं कि वहां पे डिफरेंट टाइप से हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो कुछ रूल तो जैसे देखो, मान लो तुम्हारा पहला रूल क्या कहता है, इफ योर टेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट, आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट बात जो है वो आपका पास्ट फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका फ्यूचर में भी हो सकता है, वो आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं उसमें कोई सा भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पर जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट को, तो हमेशा आपका जो सेंटेंस है वो बेटा पास्ट में आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट जो है वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। पर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा टेंस है वो यूजुअली हमारा पास्ट टेंस में ही आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ रूल्स को। फाइन, एक दो तीन चार पांच, बेटा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सेवन तो दिखा रहा है, बट अच्छा विशाखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके हो गए स्टूडेंट्स, ओके फाइन, यस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका जो डायरेक्ट है वो आपका कुछ इस तरीके से है। यहाँ बेटा ये वेट करो एक मिनट रुको, यहाँ हेडिंग डालो रूल, ठीक है, यहाँ हेडिंग डालो डायरेक्ट स्पीच, और यहां हेडिंग डालो इनडायरेक्ट स्पीच, रूल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। पहला रूल देखो, पहला रूल जो है, मान लो तुम्हारा डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच जो है वो तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट में है। अगर तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट जो है, ठीक है, तो वो तो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट में, इतना ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पहले रूल लिख लो फिर एग्जाम्पल भी दे दूंगा मैं इसमें, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो चेंज हो जाता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो रूल भी ध्यान रखना कितना इजी है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। फिर तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में चेंज। अच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब उसमें बीन लगा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट इज आर एम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज आर एम प्लस आई एन जी वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब का आई एन जी वाला फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज हैव हैड लगता है, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपका हैज हैव और बीन के साथ हमारा चेंज होगा, वो किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद सपोज कीजिए सिंपल पास्ट दे रखा है आपको, सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस तो पास्ट में ही कन्वर्ट होगा ना, पर उसको कन्वर्ट करने के दूसरे तरीके होंगे।
सिंपल पास्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है? सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। एक बार इतना एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर बाकी भी रूल है उनके एग्जांपल्स बाद में देखेंगे। एक बार इतना एग्जांपल्स देख लेते हैं, आ जाओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मानो तुम्हें स्टेटमेंट दे रखा है किस तरीके से, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी, ठीक है? ये एक स्टेटमेंट था, शी सेड, मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है। अगर हम डायरेक्ट कैसा, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी शी सेड, उसने कहा मैं हमेशा कॉफी पीता हूं, ठीक है? शी सेड आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी, तो उसने बोला मैं हमेशा चाय पीती हूं। ओके, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, शी सेड, ओके? अच्छा, ये कॉमा हट जाता है इनडायरेक्ट के लिए, राइट? उसके बाद हम दैट लगाते हैं। कॉमा हटाने के बाद आपको पता ही है इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लगता है, ठीक है? आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी, तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट, शी ऑलवेज ड्रिंक शी, बेटा आई जो है वो शी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन जो है ना वो अपने लिए कोई बात बोल रहा है, तो अपने लिए अगर वो कोई बात बोल रही है तो वो जब इनडायरेक्टली बोलेगी तो फिर वो ही और शी का यूज होगा ना, तो शी सेड दैट शी ऑलवेज ड्रिंक का थर्ड फॉर्म आएगा सिंपल पास्ट में, है ना? तो शी ऑलवेज ड्रैंक, ओके, शी ऑलवेज ड्रैंक कॉफी। ब्रिंक्स कॉफी तो नहीं होगा, ब्रिंक्स नहीं हो सकता, ड्रिंक लिखा हुआ है ना, वो ब्रिंक नहीं है बेटा, वो ड्रिंक है, तो ड्रिंक का तुम उसमें पास्ट में कन्वर्ट कर दो ड्रैंक, ठीक है? यस। उसके बाद जैसे देखो सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें लिखा हुआ है, एक एग्जांपल है, जैसे ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, इसको कन्वर्ट करें एक बार इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट में क्या दिया हुआ है, आई एम रीडिंग अ बुक, तो देखो जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, ही सेड तो आएगा ही, स्टार्ट कर रहे हैं ही सेड से, राइट? अब ये देखो, ये कॉमा है, इसको हटाने के लिए वही यूजुअल रूल, दैट लगेगा, दैट तो आएगा ही, मैक्सिमम जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं इनडायरेक्ट के उसमें दैट लगता ही है, कहीं कहीं पे दैट नहीं लग के कुछ और लगता है, ठीक है? बट कॉमा को हटाने के लिए कुछ तो जरूर लगेगा, तो इसको इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड दैट ही, अब वो बोल रहा है कि अपने लिए कोई बात बोल रहा था डायरेक्टली, बट जब वो दूसरे पर्सन के द्वारा बोला जा रहा है उस बात को, तो नॉर्मल सी बात है भाई, वो आई कैसे लगा सकता है, आई तो फर्स्ट प्रोनाउन हो गया ना, ठीक है, आई तो फर्स्ट पर्सन हो गया, पर इनडायरेक्ट में तो सेकेंड से थर्ड पर्सन को कोई बात बोली जा रही है, तो आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बात तो उसी ने कही थी ना, तो ही सेड दैट ही वॉज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी तो लगा रहेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, बस प्रेजेंट अगर इज आर एम है तो पास्ट में वॉज वर लगेगा, तो वॉज रीडिंग अ बुक, यस करेक्ट आर्यन, एकदम सही बात है, ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है? अब प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जांपल देख ले, जैसे इसमें लिखा हुआ है शी सेड ही हैज, अब आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लग रहेगा, ठीक है, पास्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो हैड आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, शी सेड That he, अब देखो has है तुम्हारा, जो तुम्हारा ये verb है ये has है, ठीक है, helping verb जो कि present tense में है, अब past में convert करोगे तो has जो है वो had बन जाएगा, he had, अब verb जो है यहाँ पे finished है वो तो already हमारा third form में है, तो वापस से ये third form में ही रहेगा क्योंकि ये past को represent कर रहा है, she said that he had finished his वर्क, राइट? वेरी सिंपल,
ओके अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका क्या होता है, हैज हैव होता है और बीन लगा रहता है, ठीक है। तो देखो एक सेंटेंस, जैसे इसमें लिखा हुआ है ही टोल्ड मी आई हैव बीन टू स्पेन, ठीक है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आइए तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ही टोल्ड मी दैट आ जाएगा बीच में, राइट, ही टोल्ड मी दैट, अब ये आई की जगह क्या आएगा, क्योंकि वो जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन के लिए कोई बात बोल रहा है इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आई तो यूज नहीं हो सकता क्योंकि पहले पर्सन ने तो बोल दी है बात डायरेक्टली डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में तो सेकंड से थर्ड पर्सन को बताई जा रही है। तो जिसने भी ये बात बोली है उसके लिए हम ही और शी का यूज करेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैव, सॉरी ही हैड बीन, हैव तो हैड में चेंज हो जाएगा, ही हैड बीन टू स्पेन, ठीक है, ही हैड बीन टू स्पेन। अच्छा लास्ट, उसके बाद देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल पास्ट में सपोज करो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ही सेड विल अराइव्ड ऑन सैटरडे, ये आपका सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो वर्ब का फॉर्म है वो ऑलरेडी हमारा पास्ट में है, तो ये सिंपल पास्ट हुआ और इसके साथ इज आर एम लगा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट है बिकॉज ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। हाँ बस इतना ही करना है, चेंज ही करना है, वही चेंज करना ही मैं आपको यही सिखा रहा हूं, ठीक है। कुछ और रूल्स आएंगे कैसे चेंज करना है, बस यही है इसमें। आओ इसको चेंज करते हैं, ये टेंस जो है ये सिंपल पास्ट में है, हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो परफेक्ट में तो आपको पता ही ये हैड लगता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो अगर वॉज वर हो तो उसको हैड बना देना। देखो इसमें क्या आएगा, ही सेड दैट, अब फर्स्ट पर्सन का नाम है तो नाम को तो हम वही रखेंगे ना, नाम ही, उसको तो ही और शी नहीं लिख सकते। बिल, बिल, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट। तो पास्ट परफेक्ट में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो अपने वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगाओगे, क्योंकि आपको पता है पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, ठीक है। हैड अराइव्ड ऑन सैटरडे, अराइव्ड ऑन सैटरडे, ठीक है, इतना ध्यान रखना बेटा। क्या था देखो, ही सेड बिल अराइव्ड ऑन सैटरडे, ये सिंपल पास्ट टेंस है, हमें इसको कन्वर्ट करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहता है, बस कॉमा हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो ही सेड दैट बिल हैड अराइव्ड ऑन सैटरडे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। आइए कुछ रूल और देख लेते हैं। बस ये रूल रट लो, मैक्सिमम जो है क्वेश्चन वो इसी रूल के बेसिस पे होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो होगा वो मैं अभी बता दूंगा आपको। चलिए हमने ये कर लिए यहां तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 रूल हो गए, ठीक है, 5 हो गए हैं, चलो सिक्स्थ करते हैं, एक मिनट। यस, सिक्स्थ रूल जो है वो है हमारा, आइए देखिए सिक्स्थ रूल जो है, मान लीजिए अभी आपने सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस जो है मान लीजिए आपका पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी हो, आपका जो डायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी हो, तो क्या करोगे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने टाइम, पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, इस चीज को ध्यान रखो। अगर कोई टेंस आपका पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी है
तो जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो वो आपका पास्ट परफेक्ट ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सप्लेन आई हैड जस्ट टर्न आउट द लाइट. I had just turned out the light. मैंने अभी अभी लाइट बंद कर दिया. ठीक है, ओके, यस. तो इसको अब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. ये डायरेक्ट स्पीच है जैसा कि आपको दिख ही रहा है. इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा देखिए. ही एक्सप्लेन, स्टार्टिंग तो सेम रहेगा. ठीक है, ही एक्सप्लेन, कॉमा हटा के दैट लग जाएगा. अब ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में कैसे है ये, क्योंकि यहाँ पे हैड लगा हुआ है. ठीक है, तो ये सिमिलर आप ऐसे ही उतार दोगे. बस आई की जगह क्या यूज होगा, बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन है, आई को हम सेकेंड पर्सन में बनाएंगे. तो ये हो जाएगा ही एक्सप्लेन्ड आई हैड जस्ट टर्न्ड आउट द लाइट. बात कैसे बोली जा रही है, उसने बोला कि मैं खुद ही जो है अभी अभी ये लाइट जो है वो बंद कर देता हूं. ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड जस्ट टर्न आउट द लाइट. जस्ट अभी अभी उसने वो लाइट बंद कर दिया. तो ऐसे ही ना बोलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच को. ठीक है, कि उसने ऐसा कर दिया. डायरेक्टली क्या होता कि उसने बोला है मैं ऐसा कर दूंगा. ठीक है, पर इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे कि उसने बोला कि वो ऐसा करेगा, या उसने ऐसा कर दिया, या वो ऐसा कर रहा है. ठीक है, यस. तो ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच. आइए कुछ और रूल्स देख लेते हैं बेटा जल्दी से. तीन रूल और हैं इसमें. नेक्स्ट है, मान लीजिए आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा है. तो अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा है डायरेक्ट स्पीच, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का. पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल कैसा होगा, वॉज वर्ब होगा और वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. यस सर, सर वो सिक्स्थ वाला पास्ट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा? हाँ, पास्ट परफेक्ट वाला अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, वो कुछ किसी और में चेंज नहीं होगा. ओके सर, यस, ये रूल यही कहता है. सेवंथ हमारा कह रहा है कि सपोज करो डायरेक्ट स्पीच तुम्हारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो उसको कैसे चेंज करो. उसको चेंज करूंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. अब पहले देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है. तो वो होगा कुछ इस तरीके से, दे टोल्ड मी वी वर लिविंग इन पेरिस. वी वर लिविंग इन पेरिस, ये स्टेटमेंट है, डायरेक्टली है. क्या कह रहा है कि वे लोगों ने बोला मुझसे कि हम लोग पेरिस में रहते थे. ठीक है, अब आपने कैसे पहचाना कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि बेटा एक तो वर्ब लगा हुआ है, ऊपर से कॉन्टिन्यूअस में हमें पता होता है कि हमारा जो वर्ब है उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब होता है, और मेन वर्ब जो होता है उसमें आईएनजी लगा रहता है. तो आपको समझ में आ गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है. अब इसको तुम्हें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे. दे टोल्ड मी ब्रैकेट हटाने के लिए दैट. ठीक है, दे टोल्ड मी दैट, इसमें क्या होगा कि उन लोगों ने मुझसे कहा कि वो लोग रहते थे पेरिस में. तो भाई वी भी तो दे में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वी तो फर्स्ट पर्सन हो गया. क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं और मेरे साथ दो जने मिलके कोई बात बोल रहे हैं तो वो फर्स्ट पर्सन कहलाने के लिए हम वी का यूज करते हैं. पर मान लो चार पांच जनों की बात किसी सेकेंड पर्सन के द्वारा बताई जा रही है थर्ड को. ठीक है, कि मान लो आपको मैनेजमेंट जो है वो आपके तीन चार टीचर की टाइमिंग बता रहे हैं. ठीक है, तो वो कैसे यूज करेंगे, भाई दे उन लोगों ने ये बात बोली है कि वो इस टाइम पे क्लास लेंगे. अगर मैं बोलता तो फिर तो मैं तो वी यूज करता. ठीक है, कि मेरा टाइम ये होगा, बाकी सर बाकी टीचर्स के टाइमिंग ये होंगे, तो तब हम वी यूज करते. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे टोल्ड मी दैट. दे पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड लगेगा. ठीक है, हैड और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन. They told me that they had been living in Paris. देखो बेटा,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका हैड लगा रहेगा, बीन आ जाता है और वर्ब में आईएनजी ही रहता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है ये, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट, सपोज करो आपका डायरेक्ट स्पीच जो है वो फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर में जो चेंज होगा तो फ्यूचर चेंजेस टू प्रेजेंट, फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट में चेंज होता है किस तरीके से जरा देखते हैं। सपोज करो आपका डायरेक्ट स्पीच का जो एग्जांपल है वो दे रखा है, आई इस तरीके से दे रखा है, ही सेड आई विल बी इन जेनेवा ऑन मंडे। उसने कहा मैं जेनेवा में रहूंगा मंडे को, तो आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर टेंस है क्योंकि इसमें विल लगा हुआ है, ठीक है? अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ नहीं होता बेटा, विल शैल अगर होते हैं ना फ्यूचर वाले तो उसको तुम उसके पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे कर दो, विल को वुड बना दो, शैल को शुड बना दो, ठीक है? कैन होते हैं, कैन को कुड बना दो, बस यही सब होता है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या यूज होगा? एज इट इज गिवन हियर विल, तो विल चेंज हो जाएगा वुड में, ठीक है? ही सेड दैट, ही सेड दैट ही विल बी को क्या लिखेंगे? वुड बी। ध्यान रखना बेटा, अगर तुम प्रेजेंट में बोल रहे हो कि तुम कहीं जाओगे दो दिन बाद या दो दिन बाद तुम कहीं और रहोगे और तुम्हें उसको फ्यूचर को तुम्हें पास्ट में कन्वर्ट करना हुआ, ठीक है, या प्रेजेंट में कन्वर्ट करना हुआ, तो बेटा वुड का यूज करना, ठीक है? ही सेड दैट ही वुड बी इन जेनेवा ऑन मंडे, बस इतनी सी बात है, ठीक है? और एक और दे रखा है, वैसे तो इतना काफी था बट स्टिल एक रूल दे रखा है तो देख लेते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको अगर कोई टेंस दे रखा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? देख एक एग्जांपल देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब विल शैल होगा और वर्ब में आईएनजी लगा होगा, राइट? यही होगा। तो सपोज करो इसमें क्या है एग्जांपल्स, शी सेड आई विल बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे, I will be using the car next Friday. तो आपको पता है ना कि ये future continuous है, क्यों? क्योंकि इसमें will लगा हुआ है और जो main verb है उसमें ing लगा हुआ है, तो ये आपका future continuous होगा। अब कुछ नहीं करना, will को would बना दो, बाकी सब सेम रहेगा, तुम्हें और कुछ नहीं करना future में, ठीक है? Future को चेंज करने का यही तरीका है। She said that she would be using, she would be using the car next Friday. She said that she would be using the car next Friday. तो बेटा हमने फ्यूचर को चेंज करने का क्या तरीका देखा कि फ्यूचर हमेशा विल और शैल में होगा, ठीक है, उसको हमें वुड और शुड में कन्वर्ट करना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है? एक बार मैं ये चीज अलग से रूल लिखवा देता हूं, ठीक है, उस चीज को ध्यान कर लो, बस और कुछ नहीं है। एक चीज इसमें ध्यान करो, बस वो रूल लिख लो एक बार, ठीक है? यस, यस बेटा एक बार ना इन रूल का देख लो, अगर विल कैन मे मस्ट ऐसे रहा तो कैसे चेंज करेंगे?
ये अलग से लिखवा देता हूँ, ठीक है? सब कुछ सेम रहेगा बेटा, बस तुम्हारा विल, कैन, मे और मस्ट दे रखा है ना हेल्पिंग वर्ब, तो वही चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा सेंटेंस में. विल वुड में बदल जाएगा, कैन कुड में बदल जाएगा, मे जो है वो माइट में बदल जाएगा, और मस्ट का मतलब क्या होता है कि करना ही है, मैंडेटरी है, तो हैड टू, हैड टू, ठीक है? ये ध्यान रखना बेटा, बस किसी भी सेंटेंस में अगर विल, कैन, मे, मस्ट इससे स्टार्ट हो रहा हो सेंटेंस, तो बेटा उसमें तुम्हें बस यही चेंज करना है, बाकी सारा सेंटेंस तुम्हारा सेम रहेगा. चलो ये ध्यान रखना है, ठीक है? आपको ये रूल क्लियर है थोड़े अभी जो मैंने अभी कराया, एक बार थम्स अप दें, ये रूल क्लियर है बेटा? हाँ, कुछ नहीं है, अगर अभी थोड़ा ध्यान नहीं है तो इनको लिख लो और याद करो, इसको रूल्स याद करने होते हैं, ठीक है? चलो याद कर लेना इस रूल्स को, बाकी क्वेश्चंस तो मैं दूंगा ही, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये तो था बेसिक रूल जिस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चलता है, बहुत सिंपल था, ठीक है? अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी होते हैं जहां पे अलग ही रूल लगता है, ठीक है? जहां पे अलग ही टाइप से चेंज होता है, जिसमें से पहला जो हम करने जा रहे हैं रूल, वो बहुत सिंपल है. सेंटेंस कभी कभी डिफरेंट टाइप के भी तो होते हैं ना, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने देखा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया, तो भाई क्वेश्चन को हम पैसिव में कैसे चेंज करें? इंपेरेटिव सेंटेंसेस है भाई, कि कोई कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है? तो उसको हम पैसिव में कैसे बदले? सिमिलरली डायरेक्ट सेंटेंस भी तो ऐसा हो सकता है ना बेटा, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, रिक्वेस्ट किया गया हो, ठीक है, ऑर्डर दिया गया हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदले? तो अब वो केसेस हमें देखने हैं, जिसमें से पहला केस है आपका, केसेस के नाम लिख लो, डिफरेंट केसेस, हेडिंग डालो डिफरेंट केसेस. डिफरेंट केस में सबसे पहला केस है, मान लो आपका कोई सेंटेंस जो है वो है आपका यूनिवर्सल फैक्ट, मान लो तुम्हारा एक, यस, तुम्हारा जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक बेस है. यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ स्टेटमेंट हम ऐसे बोलते हैं जो जिसका ना एक उसका बोल सकते हैं एक अस्तित्व है, एक सत्य है वो, ठीक है? वो साइंटिफिक बेस्ड है, वैज्ञानिक सत्य है कि भाई ये अटल है, ऐसा रहता ही है, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि भाई सूरज जो है, ठीक है, वो ईस्ट से निकलता है, तो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ कि हाँ भाई सूरज जो होता है वो उदय कहाँ से होता है, वो पूरब से होता है, सूरज पश्चिम की तरफ अस्त होता है, ठीक है? तो ये यूनिवर्सल है. पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ. ऐसे स्टेटमेंट है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? तो वो जो है वो सेम रहता है बेटा, कभी भी वो बदला नहीं जाता. क्या बदल दोगे तुम उसमें जो यूनिवर्सल ट्रुथ है? हाँ, तो सपोज करो, जैसे कि एग्जांपल मैंने दे दिया, एक एग्जांपल जैसे इसमें लिखो, द टीचर सेड, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है. ओके, ये आपका सेंटेंस है. आपने पढ़ के ही पता चल गया कि बेटा ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है? तो इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, अब ये डायरेक्ट है आपको पता है क्योंकि इसमें कॉमा लगा हुआ है, उसी से डायरेक्ट की पहचान है. इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो कुछ नहीं आएगा बेटा, बस इतना ही आएगा, द टीचर सेड दैट The sun rises in the east as it is, उतार दो, बस that लगा दो, ठीक है? बस that लगा दो और बाकी सेंटेंस को as it is उतार दो, बस यही करना है तुम्हें. Sun rises in the east, बस that लगाना है कॉमा हटाने के लिए, ठीक है? Honesty is the best policy. तो बस कॉमा हटा के दैट लिख देना, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? तो ये यूनिवर्सल ट्रू हो गया, ठीक है? अब केस टू देखते हैं बेटा. केस टू सपोज करो तुम्हारा कोई सेंटेंस जो है वो बड़ा रेलेवेंट है, स्टिल रेलेवेंट वाला केस, मतलब आज भी उसकी मान्यता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है शीला सेड
फ्रेंच इज इजी टू लर्न, फ्रेंच इज इजी टू लर्न. तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें एक रेलेवेंस बताई जा रही है सब्जेक्ट की, भाई कि फ्रेंच जो है वो आज भी बड़ा आसान है सीखना. तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो, शीला सेड दैट. अब ये वाला जो है ना, जिसमें तुम्हारा स्टिल रेलेवेंट है, इसमें जो चेंज करना हुआ ना, तो बेटा तुम ना इसको ओरिजिनल भी रख सकते हो जैसा पहले था, या इसको पास्ट में भी कर सकते हो. ओरिजिनल टेंस मतलब डायरेक्ट जिसमें है वो उसमें भी हो सकता है, या फिर वो पास्ट में भी चेंज हो सकता है. यस, तो आपका ओरिजिनल टेंस में भी रहेगा, मान लो मतलब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रख दो, पास्ट है तो पास्ट में रख दो, प्रेजेंट है तो तुम पास्ट में भी चेंज कर सकते हो. मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रखो, क्यों चेंज करना जब रूल बोल ही रहा है कि यू कैन चेंज ऑल्सो एंड यू यू डोंट वॉन्ट टू चेंज, तो मत करो फिर, ठीक है. तो शीला सेड दैट फ्रेंच इज इजी टू लर्न, या अगर चेंज करना हुआ तो इसको पास्ट में कैसे कर देते, फ्रेंच वॉज इजी टू लर्न. तो मैं तो कहूंगा मत चेंज करो, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट तो इज या वॉज, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं लगेगा ना. हैज होता तो हैड लग जाता, has been had been बन जाता, बस easy to learn, सब कुछ तो सेम ही है, ठीक है, ये एक बात है इसमें. अच्छा, और इसमें कुछ बात बोली गई है जो कि इंपॉर्टेंट है. यस, ये वाला केस थ्री जो है ना बेटा, ये तो तुम रट लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये तुम्हारे माइंड में भी बैठ गया होगा कि यूनिवर्सल फैक्ट में कोई चेंज नहीं, रेलेवेंट जो पॉइंट्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट की महत्वपूर्णता दिखाई जा रही है उसमें भी कोई चेंज नहीं, तीसरा वाला जो है देयर इज स्लाइट चेंजेस, केस थ्री जो है उसमें कोई चेंजेस हो सकता है. पर केस थ्री है क्या, केस थ्री कह रहा है यहाँ मान लो यहाँ जो तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट हो रहा है उसमें सब में ऑलरेडी पास्ट में है सेड सेड, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्ट स्पीच जो है वो सेज हो, ऑलरेडी प्रेजेंट में हो, तो हम कैसे बदलेंगे उसको. तो केस थ्री जो है वो कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, बेटा ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो कॉमा से पहले ये लगाया जाता है ना, एक्सप्लेन सेड टेल टोल्ड, ठीक है, ये सब बोलते हैं हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच. तो मान लो रिपोर्टिंग स्पीच जो है तुम्हारा वो प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में. फिर इसमें करेंगे क्या, फिर तो द टेंसेज ऑफ, अगर तुम्हारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है ना बेटा, तो तुम्हारा जो डायरेक्ट स्टेटमेंट का जो टेंस है ना वो बदलेगा नहीं, वो भी उसी में ही रहेगा. तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी नहीं बदलाव हो रहा, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही, रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, देन द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज, डायरेक्ट स्पीच नहीं बदलता. एक एग्जाम्पल देखें कैसे कैसे नहीं बदलता, एक एग्जाम्पल देखते हैं. आइए, जैसे इसमें लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, सपोज कीजिए अब आपका ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ही सेज, अब आप देखिए रिपोर्टिंग जो आपका स्पीच है वो प्रेजेंट में है, क्यों, क्योंकि इसमें सेड नहीं है, वो सेज है, कह रहा है, क्या कह रहा है वो, आगे देखते हैं. आई लाइक क्लासिकल म्यूजिक, मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है. तो आपको खुद दिख रहा है बेटा कि एक यहाँ पे सेज जो है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है. तो जब मैं इनडायरेक्ट में बदलूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, ही सेज, ठीक है, सेड नहीं बनाना, सेज ही लिखना है, ठीक है, ही सेज, कॉमा हटा के दैट, आई तो चेंज होगा ही में, ठीक है, ही, क्योंकि पहला पर्सन जो है वो सेकंड में बदल जाएगा, तो ही लाइक जो है ना बेटा वो लाइक्स हो जाएगा, ही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक. आप प्रेजेंट में तो रखोगे, बट प्रेजेंट में भी जब आप वर्ब लगाओगे तो बेटा वर्ब तो आपको करेक्ट लगाना होगा ना, तो आपको यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आपको लगाना है, ठीक है. यू कैन नॉट राइट आई लाइक, यू शुड राइट, क्योंकि आपने आई लाइक मुझे पसंद है तो वो तो लिख सकते हैं, बट अब दूसरे पर्सन के द्वारा ये बात बताई जा रही ना कि मुझे क्या पसंद है, तो वो तो लाइक थोड़ी ना यूज करेगा, वो एस लगाएगा अपने टेंस में, सॉरी अपने वर्ब में, ठीक है. तो ही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि वो कह रहा है कि
उसको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, सेकंड पर्सन जो है वो किसी और को ये बात बता रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो जो यूज करेगा वर्ब को लाइक जो है वो एस में बदल जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ भी देखो प्रेजेंट में था डायरेक्ट, अभी भी प्रेजेंट में ही है, बस थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा इस पे। अगर ये प्रेजेंट में है ना तो ये भी एज इट इज ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, पूरा फोकस इस पे रखना, ये गलत हो गया ना पूरे मार्क्स कट जाएंगे, एक बार को इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है तो आधे नंबर मिल भी जाएंगे, बट ये गलत तो पूरे मार्क्स गए, क्योंकि मेन तो यही था, यही तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग था कि ऑलरेडी अगर मेरा प्रेजेंट में है तो पास्ट में ना करें कन्वर्ट। ओके चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अच्छा इसमें क्या दे रखा है, वो मैंने आपको बताई दिया, विल वुड में चेंज होता है, कैन कुड में, तो अगर ऐसा कुछ आता है एग्जांपल तो आप कर लेना, ठीक है। अच्छा उसके बाद कुछ है मेरे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यस आओ अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये तीन केस क्लियर है बेटा, एक बार थम्स अप दें। यस आर दीज थ्री केसेस क्लियर टू यू? यस बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम था नेटवर्क का। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? एक बार थम्स अप दे बेटा। ओके ठीक है, आई थिंक वी आर रनिंग लेट, ओके, तो ऑलमोस्ट थोड़ी देर में आपकी मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट होगी। एक बार मुझे टाइमिंग बता दो कितने बजे स्टार्ट होती है, सो दैट अगर मेरे पास 10 मिनट का भी गैप रहा ना तो मैं खत्म करवा दूंगा, अदरवाइज छोटा सा टॉपिक रह जाएगा कल के लिए, फिर आधे घंटे दो उसके लिए, तो मुझे एक बार बता दो अगर हम 10 मिनट हम अवेलेबल हैं तो क्या मैं यहाँ पे करवा ही दूँ वो, क्योंकि दो ही टॉपिक बचे हैं इंपेरेटिव और इंट्रोगेटिव। ओके एग्जैक्ट 1:30 स्टार्ट हो जाएगी क्या? चलो ठीक है कोई नहीं, मैं जरा फटाफट से इंपेरेटिव कर लेता हूँ, ठीक है आ जाओ। एक बार हेडिंग डालो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, देखते हैं कम से कम इम्पेरेटिव तो खत्म करें ना फटाफट। ओके ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्या होता है बेटा, वही वही चीजें, मान लो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, कमांड दे रहे हैं किसी को, मान लो कोई सेंटेंसेस ऐसा हो जिसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, कमांड दिया जा रहा हो, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा हो, ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा हो, या सपोज करो रिक्वेस्ट भी की जा रही हो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये सारी चीजों का यूज होगा। तो बेटा जब वो तो सेंटेंस होगा तब तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये इम्पेरेटिव है, ठीक है, कि इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो प्लीज लगा होगा, ऑर्डर दिया जा रहा है तो डायरेक्टली एकदम यू नो प्लीज प्लीज कुछ नहीं, ऑर्डर की फॉर्म में होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखें इसको चेंज कैसे करना है, इधर लिखना डायरेक्ट और इधर लिखना इनडायरेक्ट। कैसे चेंज करेंगे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, सपोज करो मैं यहाँ पे दो तीन एग्जांपल लिखता हूं, देखो पहला एग्जांपल है द टीचर सेड टू द क्लास, द टीचर सेड टू द क्लास डोंट शाउट, डोंट शाउट, पहला सेंटेंस। अब आपको साफ पता चल रहा है टीचर कोई बात बोल रही है तो भाई वो ऑर्डर दे, ठीक है। सेकंड सेंटेंस दे रखा है फॉर सपोज, यस द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मास्टर ने सर्वेंट को क्या कहा, फिनिश द वर्क एट वंस। तो हमें यहां भी दिख रहा है कि भाई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है या ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, यस द टीचर सेड टू द स्टूडेंट
प्लीज स्टडी प्रॉपरली। ये तीन सेंटेंसेस है। पहला क्या कह रहा है, टीचर से टू द क्लास डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, ऑर्डर दे रहा है टीचर, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहे हैं, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस, एक ही बार में ये काम खत्म करो। इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कमांड दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, एक ही बात है। थर्ड क्या है, टीचर सेड टू द स्टूडेंट प्लीज स्टडी प्रॉपरली, बेटा प्लीज लगा हुआ है, रिक्वेस्ट कर रही है टीचर कि भाई पढ़ लो, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस जब आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वही जैसे एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते थे, रिक्वेस्टेड लगा के, कमांड लगा के, ऑर्डर्ड लगा के, है ना, वैसे यहां भी ये भी लगाना है। चलो देखो इसको लिखो, द टीचर ऑर्डर्ड, यहाँ पे टीचर ने ऑर्डर दिया है तो दैट हटाने के लिए तुमने यहाँ पे, अच्छा ध्यान रखना है यहाँ पे जो कॉमा हटेगा उसमें दैट नहीं लगेगा, ये जो कॉमा हम लगा रहे हैं ना ये नहीं हटेगा, क्यों, क्योंकि यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को, ठीक है। द टीचर ऑर्डर टू द क्लास नॉट टू शाउट, बेटा यहाँ पे जो कॉमा हटाना था ना, तो कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होंगे, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, उनका इनका यूज होगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, कमांड भी लिख सकते थे, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है। अब सेकेंड जैसे देखो, मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस, इसको कैसे यूज करेंगे, द मास्टर ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड कुछ भी लिख सकते हो, द मास्टर ऑर्डर्ड टू द सर्वेंट टू फिनिश द वर्क एट वंस, टू फिनिश द वर्क एट वंस, ठीक है, इस तरीके से बदल देना है। अब थर्ड का बताओ, नहीं, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी आ सकता है, पर रूल तो यही रहेगा ना, अगर इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट में कन्वर्ट करना हुआ तो, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सिखा रहा हूँ कि इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी आए तो आप ऐसे रूल, सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है, बस उल्टा चलेगा सब कुछ, ठीक है, रिवर्स करते रहना बस, ओके। तो ये चीज आपको देखना है, कुछ एग्जाम्पल्स उसके भी कर लेंगे, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस के लिए, बाकी सेम ही रूल है तो आपका वो अप्लाई हो जाता है उसमें, ओके, आ सकता है वैसे भी, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, बट रूल तो सेम रहेगा ना, रिवर्स चलेगा बस, और कुछ नहीं है। यस, इसका बदलो, थर्ड का बताओ मुझे क्या लिखें यहाँ पे, तुम लोग बताओ, क्या लिखेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ओजस्विनी, ठीक है। प्लीज का यूज आप इसमें ना करो या कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन क्या है ना कि हम प्लीज क्यों नहीं दिखा रहे, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव शोड कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वाई अगेन से प्लीज, प्लीज ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है रिक्वेस्ट को, तो द टीचर रिक्वेस्टेड टू द स्टूडेंट टू स्टडी प्रॉपरली, ठीक है, टू स्टडी प्रॉपरली। तो आई विल सजेस्ट कि जो ये प्लीज वर्ड है, ठीक है, ऐसे वर्ड्स हो उनको आप ऐसे यूज ना करें, आप उसको कन्वर्ट कर ले टू में, ठीक है, तो प्लीज ऐसे दे रखा है तो ऐसा उसमें आपको यूज करना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अब, और क्या है भाई, देखिए एक बार, इंटरोगेटिव है अब, ठीक है, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी है, ओके, चलिए कोई नहीं, देखते हैं जल्दी, जब तक लिंक नहीं आ जाता आपके पास तब तक हम देख लेते हैं एक बार।
चलो एक बार इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर होंगे तो उसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, ठीक है? क्वेश्चन होता है ये, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। ओके, आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा रूल ना डिफरेंट है। देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें देखो अगर तुम्हारा इसमें से, सेड, ठीक है, या विल से ऐसे लगा हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच ऐसे है तो वो कन्वर्ट होगा कुछ इस तरीके से, आज डिमांडेड या इंक्वायर्ड। मतलब अगर रिपोर्टिंग स्पीच तुम्हारा ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ही सेड, ठीक है, या ही सेज, तो बेटा सेड और से अगर लगा हुआ है ना और क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो तुम पहचान गए ये इंटरोगेटिव है, ठीक है, इंटरोगेटिव है और उसकी स्टार्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच की सेड से या विल से हो रही है तो उसको बदलना आस्क्ड, डिमांडेड या इंक्वायर्ड में। अब ये इन तीनों में से कौन सा लगाना है तो वो देखेंगे कि सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है। तो पहला तो ये हुआ रिपोर्टिंग स्पीच के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, मान लो को अब क्वेश्चन, अब नेक्स्ट जो है कॉमा लगा रहेगा, कॉमा के बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम्हें भी पता है क्वेश्चन पूछने के लिए इज आर एम विल शैल हैज हैव यूज होता हैज हैव हैड, ठीक है, तो कुछ ऐसे ही ना स्टार्ट होगा तुम्हारा क्वेश्चन पूछने के लिए, एम इज आर, है ना, वॉज वर, ठीक है, डू डस, यही सब होगा ना, ठीक है। तो अगर ये चीज हो तो इसको तुम कैसे बदलोगे, इसमें तुम दैट का यूज नहीं करके तुम इफ और वेदर यूज करोगे, ठीक है, इफ और वेदर यूज करोगे। अच्छा उसके बाद तुम्हारा क्या है, जब ये खत्म हो जाएगा सेंटेंस तो नॉर्मल सी बात है क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क तुम इनडायरेक्ट में नहीं लगाओगे, नो यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एंड यूज असर्टिव सेंटेंस, एंड यूज असर्टिव सेंटेंस। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हो अपने क्वेश्चन को तो वो असर्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ ही समझ में आएगा तुम्हारा, देखो कैसे होगा, आओ कुछ एग्जाम्पल्स में लेता हूं इसमें। असर्टिव का मतलब होता है कि तुम क्वेश्चन का एज आंसर फॉर्म में दे रहे हो, ठीक है, रिप्लाई कर रहे हो तो फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स ही देख लेते, तुम्हें एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा बेटा, देखो मैं यहाँ एक तो एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, जैसे यहाँ लिख रखा है सानिया से, आर यू कमिंग विद देम, तो ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। चलो इसको बदलते हैं एक बार, देखो सानिया सेड, तो बेटा सानिया ने क्या बोला है, आर यू कमिंग विद देम, सानिया ने पूछा आर यू कमिंग विद देम, क्या तुम उनके साथ आ रहे हो, तो बेटा यहाँ पे नॉर्मल सी बात है सेड मैंने लगाया है बट ये गलत है, जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये सेड जो है आपको सेंटेंस से पता चल रहा है वो क्या कर रही है, क्या वो डिमांड कर रही है, क्या वो इंक्वायर कर रही है, या वो कुछ पूछ रही है, वो क्या कर रही है इन तीनों में से, इज शी आस्किंग, इज शी डिमांडिंग और इज शी इंक्वायरिंग, Asking. आस्किंग, यस, तो सानिया आस्क्ड। अब ये कॉमा हटाने के लिए यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे नहीं, व्हाट वी विल यूज, इफ और वेदर, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इफ, ठीक है, कुछ भी उसको यूज कर सकते हो, इफ वेदर, बट फाइन लग रहा है यहाँ पे इफ यूज करना, सानिया आस्क इफ। अब आर तो यूज होगा नहीं क्योंकि आर तो अगर आपने यूज कर लिया इफ के बाद तो फिर से वो क्वेश्चन ही बनता जाएगा, तो सानिया आस्क आई, ठीक है, आई एम कमिंग विद देम, तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो, यस आई, यस, इसमें आपका था इफ और वेदर डू डज, अच्छा
अच्छा एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे जो सेंटेंस को चेंज करने का तरीका था ना वो थोड़ा डिफरेंट था, मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिख दिया आपका। यस, ये इफ और वेदर तो लगेगा ही, ये चीज आपको बताना था मुझे, इज एम और आर, ये जो चीजें हैं ना इसके लिए बताना था। इसमें बेटा वॉज और वर लगता है, ठीक है, और डू अगर हो तो वो डज में चेंज होता है। ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है, मेनली इज आर एम है वो सब ध्यान रखना हैज अगर लगा हो तो हैव लगा देना, ठीक है, हैव या हैज लगा हो, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है तो मेनली तो यही यूज होगा, हैज हैव डू डज, ठीक है, इज एम आर, तो उसको इस तरीके से बदलना। अब देखो सानिया आस्क्ड इफ यू, तो आई में बदल जाएगा क्योंकि वो मुझसे पूछ रही है, तो भाई जब मैं ये बात बोलूंगा तो आई लगाऊंगा, ठीक है। इफ आई वॉज कमिंग विद देम, बस, और यहाँ पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, एज आई टोल्ड यू नो यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, एंड यूज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स कि लाइक आप लोग कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ पूछ नहीं रहे, ठीक है, तो सर नाउ फुल स्टॉप। यस सर बताइए। इसमें ये नहीं आएगा, सानिया सोनिया सोनिया जो भी है, हाँ हाँ सानिया, आस्क मी इफ आई वाज कमिंग विद देम, सानिया आस्क्ड और इफ आस्क सानिया मी। आस्क्ड मी, राइट, तो हाँ जी इसपे इसका आ सकता है सानिया आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग विद देम, या सानिया आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग विद देम। तो इसका अगर हम ऐसे लिखते हैं मी लगा के, तो कैसे लिखेंगे, सानिया आस्क्ड टू मी, है ना, आई वाज कमिंग विद देम, इफ आई वाज कमिंग विद देम। इसका जो ठीक रहेगा आपका वो सेंटेंस आपका रहेगा सानिया आस्क्ड टू मी इफ आई वॉज कमिंग विद देम, ऐसे भी लग सकता है, बट क्या है ना, टू मी जो है ना वो जब तक सेंटेंस ने यूज नहीं कर रखा तब तक आप यूज नहीं कर सकते। लाइक अगर इसमें ऐसे लिखा होता सानिया आस्क्ड टू मी या सानिया सेड टू मी, ठीक है, तो इसमें होता फिर स्टेटमेंट और कॉमा लगा के आर यू कमिंग विद देम, तो हम लगाते इसमें सानिया आस्क्ड टू मी, ठीक है, पर जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला तो हम ये टू किसको बोला जा रहा है वो नहीं लगा सकते, ठीक है, तो यू कैन नॉट यूज मी हियर, राइट। आइए ठीक है सर। यस आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 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 इसमें, हाँ ये वाला देख लो एक बार, ये वाला भी एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट ये था, सेकंड एक ये वाला देख लो बेटा, ही सेड टू मी वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग। अच्छा एक चीज और इसमें आ गई इंपॉर्टेंट, ठीक है, वॉट, देखो यहां पे एक चीज और ऐड कर लो, जो ये ब्रैकेट खाली है, यहां पे जो ये ब्रैकेट खाली है, ठीक है, इस पे एक चीज यूज कर लें, दैट सेंटेंस में जब क्वेश्चन पूछा गया हो वॉट वाई, ठीक है, वेयर, ठीक है, इस तरीके से, व्हेन, देन व्हाट, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा, व्हाट व्हाई वेयर एंड व्हेन सेम रहेगा, ठीक है, ये भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ इज एम आर, ये सब अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो तभी ये चेंज होंगे, अगर क्वेश्चन इनसे स्टार्ट हो रहा है तो ये चेंज नहीं होंगे, जैसे हमारा ये वाला एग्जाम्पल है। तो अब जैसे आपने बोला था अमन, पिछले आपने पूछा था, देखो मैंने यहाँ पे ये चीज लगाई है, ही सेड टू मी, तो यहाँ तो स्टार्ट होगा कि ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तो इसमें देखो इसमें यहाँ पे भी क्वेश्चन है बट क्या है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो बेटा वही बात है, यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, आस्किंग है, ठीक है, तो ही आस्क्ड टू मी, अब लगाओ टू मी क्योंकि मैंने क्वेश्चन में भी लगा रखा है, इफ, ठीक है, ही आस्क्ड टू मी इफ, इसमें क्या आएगा देखो, ये वर्ड तो सेम रहेगा, सर यार ये मक्खी मार, इफ थोड़ी आएगा। इसमें आपका वो तो इफ वेदर यूज, यस सॉरी, इफ वेदर आपका इसी में यूज होगा, इसमें नहीं यूज होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाट वर यू डूइंग, ठीक है, यस, इस चीज को एक बार नोट करें आप, एक बार
यस, तो ही आस्क्ड टू मी, ठीक है, इफ नहीं आएगा बिकॉज इफ आपका एम इज आर एल वॉज वर्ड डू डज ये सब है, इसके साथ इफ और वेदर लगता है. वॉट वाई वेयर वेन ऐसे जब स्टार्ट हो रहे हैं तो आपका आ जाएगा ये सीधा, ठीक है, ये हट जाएगा. क्या कह रहे हैं बेटा? यू की जगह आए यहाँ पे. अच्छा अच्छा, एक मिनट. ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड टू मी व्हाट वर आई डूइंग. यस यस यस, सॉरी. और उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो व्हेन आई वाज सेइंग दैट कि इनडायरेक्ट, तो हाँ यू की जगह हम आई लगाएंगे. वेरी गुड, ठीक है. ये बाकी तो सब आपका सेम है ही. एक मिनट बेटा, हेलो सर. सर यस यस सर, अब ये सेंटेंस गलत है. कौन सा सेंटेंस? ये वाला? हाँ क्वेश्चन सर, मुझे जो लग रहा है ये ऐसा होना चाहिए, ही आस्क्ड टू मी व्हाट आई वाज डूइंग. वर तो बहुत सारे, व्हाट आई वाज डूइंग, बट आर तो हमारा वर में ही चेंज होगा ना सर. वाज भी तो लिखा ऊपर सर. वर थोड़ी है, मतलब वर मतलब हम बहुत सारे थोड़ी. हाँ, what are you doing? What are you doing? तो इसमें लगा ask to me, what was I doing? What was I? What I was doing? हाँ, तो इसमें आपका आंसर what I was doing या what was I doing ये भी हो सकता है. आप इसको frame कैसे भी कर सकते हैं, but इसमें was जो है, yes. अच्छा हाँ, इसमें व्हाट आर यू डूइंग दे रखा है ना, तो मैंने आर पे फोकस कर लिया. ओके हाँ, तो जब यू को बोला जाता है तो यू तो मैं आर ही यूज होता है, सही बात है. और जब हम इसको यू को कन्वर्ट करेंगे इसमें इनडायरेक्ट में, तो इट विल बी लाइक आई हो जाएगा, ठीक है. और इसको ही शी में भी होता, बट लेकिन अगर कोई सेकेंड और थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता तो, बट फॉर द राइट नाउ इट विल बी आर जो है आपका ये वॉज में कन्वर्ट होगा. यस, बिकॉज सिंगुलर पर्सन है इसमें, ओनली सिर्फ मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है. वॉट वॉज आई डूइंग, और इट कैन ऑल्सो बी वॉट आई वॉज डूइंग, ठीक है. वॉट वॉज आई डूइंग या वॉट आई वॉज डूइंग, उसके बाद तो आपका फुल स्टॉप लगेगा. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है. एक स्टेटमेंट और, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें. जैसे स्टेटमेंट दे रखा है, यस, द जेंटलमैन सेड, The gentleman said, "Where is the market?" Yes. अब देखो यहां पे जब हम इसको बदलेंगे तो एक बार देखते हैं स्टार्टिंग से. The gentleman said, ठीक है, the gentleman
सेड तो आएगा ही नहीं बिकॉज यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो asked, अब यहाँ पे वेयर है तो ये भी नहीं लगेगा इफ और वेदर, तो दैट मीन्स आई विल यूज डायरेक्टली वेयर. वेयर इज द मार्केट, सिंगुलर है हमारा टेंस, ठीक है? तो वेयर वॉज द मार्केट या वेयर द मार्केट वॉज कैसे भी हो सकता है, वेयर वॉज द मार्केट. या वेयर वॉज द मार्केट अगर हम लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर लेते हैं, वेयर द मार्केट वॉज, इस तरीके से. वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, बट स्टिल अगर हम इस तरीके से यूज करते हैं तो इट विल बी लाइक हम असर्टिंग कर रहे हैं, हम ना डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, हम इस तरीके से बता रहे हैं कि वेयर द मार्केट वॉज या वेयर वॉज द मार्केट, वो भी ठीक होता है, बट इट्स लाइक यू नो फ्रेमिंग के ऊपर है आपका, तो आप कैसे भी लिख सकते हो इस चीज को. यस, एक चीज तो ये है. चलो एक बार और कुछ चीजें देखनी है, तो वो है हमारा क्या दे रखा है इसमें, एक्सक्लेमेटरी. हाँ वो चीज दे रखी है, एक्सक्लेमेटरी दे रखी है, बाकी सब तो ठीक है. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. यस बेटा, नेक्स्ट जो है. अच्छा मैथ्स का लिंक आ गया, चलो चलो जो बस 5 मिनट लास्ट टॉपिक. यस सर, वो पिछला पेज फुल दिखा दो एक बार स्क्रीन पे. एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट. मैथ्स का लिंक आ गया है, ठीक है ठीक है, बस अभी 5 मिनट में ओवर कर रहे हैं, विद इन 5 मिनट्स विल बी ओवरिंग, ठीक है. तो राइट से कट रहा है. अच्छा अभी ठीक है, थोड़ा सा रुको, जूम इन कर दो तब दिखेगा, पर थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा इसमें आके, देख लो आप. ठीक है, सही है सही. चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, बाकी बढ़ जाते हैं एक बार आगे. हो गया, ओके फाइन. बस छोटा सा टॉपिक, 2 मिनट बस और देख लें, ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं. यस, ये टॉपिक है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का बेटा. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको भी पता है क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस. लाइक जब हम यूज करते थे ना एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो मार्क तो आपको पता ही, एक्सक्लेमेटरी मार्क ये वाला होता है, ठीक है. और यूज कैसे होते हैं इसमें वर्ड लाइक हुर्रा, ठीक है, अपने जॉय को दिखाने के लिए, एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए हुर्रा लगाते हैं हम, अलास फॉर सैड, ठीक है. और क्या लगाते हैं हम इसमें, ब्रावो, ये सब आपके किसी को यू नो हम शाबाशी दे रहे हैं तो ब्रावो ऐसे यूज करते हैं, और इनके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, ठीक है. तो अगर आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दे रखे हो तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे, आइए देखिए. तीन ही चीज तो हो सकती है, देखो या तो तुम्हें सौरो दिख रहा हो उसमें, ठीक है, सौरो है, सैड है, ठीक है, सैड है, ग्रीफनेस है, ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा. दूसरा क्या हो सकता है, हैप्पीनेस हो, ठीक है, हैप्पीनेस हो, डायरेक्ट स्पीच में ये रहेंगे, ठीक है. जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा इनका, वो देखना है. और तीसरा केस क्या बन सकता है, कि आप सरप्राइज हो गए, ठीक है. तो ये चीज आपको, तीन चीज ध्यान रखनी है. तो सपोज करो आप डायरेक्टली जो बोल रहे हो उसमें आपको सेंटेंस जो दिख रहा है वो बड़ा ही उसमें दुख छुपा हुआ है, ठीक है, कि उसमें बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ किसी के साथ, बहुत ही सैडली कुछ चीज, कुछ दर्द है उसमें, ग्रीफनेस है, ठीक है. तो उसमें जब आप लोग इनडायरेक्ट में चेंज करें तो आप लोग उसमें लगाएंगे एक्सक्लेम्ड वर्ड तो लगाएंगे ही ब्रैकेट हटाने के लिए, ठीक है, दैट वर्ड उसमें यूज नहीं होगा बेटा, दैट हटाने के लिए हम एक्सक्लेम्ड लगाएंगे, ठीक है. एक्सक्लेम के साथ साथ आप उसमें यूज करेंगे With sorrow, grief, ठीक है, sadly, ऐसे आप यूज कर सकते हैं. Like he exclaimed sorrowly, ठीक है, he exclaimed griefly, he exclaimed sadly, इस तरीके से. The next happiness, उसमें भी आएगा exclaimed bracket हटाने के लिए, but उसके साथ और क्या लग सकता है, जब आप बहुत ही happy हैं तो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा सकते हैं, दैट
he exclaimed with joy, ठीक है, he exclaimed with happiness, he exclaimed with delightness, delightful होके, ठीक है, delight use कर सकते हैं और आप use कर सकते हैं, क्या दे रखा है इसमें, joyfully, ठीक है, और जब आपका surprise हो गए हो ना आप surprise, तो उसमें आप use कर सकते हैं exclaimed के साथ, exclaimed with surprise, wonder, और इसने दे रखा है astonishment, लाइक जब surprise है तो normal सी बात है यही इसी तरीके से भाव प्रकट किए जाएंगे, ठीक है, तो ये कुछ तरीके होंगे, आइए कुछ examples देख लेते हैं एक बार. एग्जाम्पल लिखना बेटा, द रिपोर्टर सेड अलास मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू सुनामी. ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया, अब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, बट बिफोर दैट एक बार सेकेंड सेंटेंस भी लिख लेते हैं, और इसमें दे रखा है लाइक ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग. ठीक है, ये एक लिख लो, और थर्ड लिख लो इसमें, टीम सेड हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच, राइट, हुर्रे वी वॉन द मैच, ये तीन सेंटेंसेस देख लो, अब इसको कैसे बदलेंगे, आई यस, अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, The reporter said आएगा नहीं, because said की जगह हम क्या क्या use करेंगे, exclaimed, exclaimed, exclaimed. The reporter exclaimed, ठीक है, अब यहां से ये bracket हटेगा, ठीक है, तो bracket हटाने के बाद दोबारा से ये use तो होगा नहीं exclamatory mark वाला sentence word, ठीक है, use करेंगे भाई अगर तुम्हारा alas वाला sentence है तो हमें पता है, that क्या हुआ बेटा, आज अच्छा एक मिनट, बस दो मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, बस आई थिंक सर ने ज्वाइन कर लिया है हमें, सर बस दो मिनट और फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपका, ओके, तो इसका एक बार आप देख लें, यस, जल्दी से बेटा इसको खत्म करते हैं, स्टेटमेंट को खत्म करके, सर का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, उनको हम यहाँ पे करवा देंगे अभी दो मिनट में, चलो इसको फटाफट कर लेते हैं, चलो अलास है, दुख दुख प्रकट कर रहे हो, ठीक है, सैडली यूज करोगे या सोरोफुली, ठीक है, द रिपोर्टर एक्सक्लेम्ड सैडली मेनी लाइव्स हैव बीन है, हैड बीन, क्योंकि घटना घटित हो चुकी है, हैड बीन लॉस्ट ड्यू टू, अच्छा हमें इसमें दैट तो दैट लगाया ना, हमने इसमें दैट नहीं लगाया, अच्छा एक्सक्लेम्ड सैडली दैट लगेगा इसमें, लॉस्ट ड्यू टू सुनामी, फटाफट से करते हैं बेटा, थोड़ा सा माइंड थोड़ा जल्दी चल रहा है इसलिए कहीं कहीं पे मैं भी गड़बड़ा रहा हूँ, यस, ही सेड नहीं आएगा यहाँ पे, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो बेटा गुड मॉर्निंग विश किया जाता है, ही विश्ड मी, ओके, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, सिंपली. सर इसमें एक्सक्लेमेटरी कहाँ है, इसमें एक्सक्लेमेटरी आपका गुड मॉर्निंग ही हो गया, एक तरीके से विश करना हुआ, ठीक है, वही हो जाएगा आपका, तो इसमें गुड मॉर्निंग आपका जो वर्ड है इट्स जस्ट लाइक यू आर विशिंग, और एक्सक्लेमेटरी आप भाव ही प्रकट कर रहे हो, ठीक है, विश कर रहे हो एक तरीके से, और कुछ नहीं, यस, द टीम सेड, नहीं टीम सेड नहीं, द टीम एक्सक्लेम्ड
अब देखो यहाँ हुर्रा है, ये दिस इज एक्सक्लेमेटरी, हुर्रे मतलब आप यू नो जॉयफुली, आप डिलाइटली, आप हैप्पीली कोई चीज बता रहे हो। वी आपका दे में बदल जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि टीम ने बोला कि वो लोग मैच जीत गए, हुर्रा हम मैच जीत गए, तो हमें इसको कैसे इनडायरेक्टली बोलना है कि हम किसी और को ये बात बता रहे हो, तो टीम ने जॉयफुली ये बात प्रकट करी कि वो लोग मैच को जीत गए, तो वॉन तो ऑलरेडी पास्ट में है तो वो अभी भी वॉन ही रहेगा, ठीक है, बाकी आपका तो दैट लग जाएगा और दे बन जाएगा, क्योंकि वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है बट इनडायरेक्ट में तो सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज होगा, तो दे वॉन द मैच, ठीक है, ऐसे करके ये खत्म होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा देखना यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें ना कुछ और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेनली आपके यही कुछ केसेस है तो ध्यान रखना है, कुछ मैं आपको अपनी तरफ से बना के भेज दूंगा, उसको कर लेना, ठीक है, डाउट आएगा पूछ लेना वो मुझसे, आप मैं आपको इंडिविजुअली इसको बता दूंगा कि इसमें क्या रहेगा, ठीक है। तो बेटा यही था एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आप लोगों को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, एक बार थम्स अप दे दें, ओके वेरी गुड, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, चलो फिर फाइन, ठीक है, तो हो गया वीसीआर खत्म, ठीक है, कल छोटा सा क्लास लेना है ईगो का, सब प्रेजेंट रहे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मुझे लास्ट टॉपिक का ओवरव्यू देना है एक बार, ठीक है, यहाँ पे आके बीसीआर खत्म, एवरीथिंग इज ओवर राइट नाउ, ओके, और कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से भेजूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, तो वो लोग आप लोग कर लेना इसको, डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, बाकी बेटा यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और आप सर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो लोग वो ज्वाइन कर दें, मैं यहाँ पे अपने आप को ओवर कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, मिलते हैं बाद में, फिर कोई डाउट आए तो पूछेगा, एंड थैंक्स फॉर द टुडे, ओके।